फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति शर्मा और प्रीति शर्मा व्लॉग्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा तो यहां पर आज मैं आप लोगों के साथ एक रिव्यू शेयर करने वाली हूं और वो है अरोमा ट्रेजर का ऑरेंज क्लीनअप किट। ये आप लोग मेरे हाथ पे देख सकते हैं, ये है अरोमा ट्रेजर का ऑरेंज क्लीनअप किट और बहुत ही ज्यादा अच्छा किट है। तो इसको यूज करने के बाद ही इसका जो रिव्यू है मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ और आप लोग मेरे फेस पे देख सकते हैं काफी ज्यादा आप लोगों को आज ग्लो दिख रहा होगा मेरे फेस पे। तो ये जो ग्लो है, और मैंने अपने फेस पे कुछ नहीं लगाया है, सिर्फ मैंने ये वाला जो क्लीनअप किट है इसको यूज किया है और उसके बाद आप ग्लो देख सकते हैं मेरे फेस पे। इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आप लोगों को पसंद आए, और ज्यादा से मेरे इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा बातें ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग मेरा फेस देख सकते हैं, हमारा जो फेस है उसमें काफ़ी टाइम से मैंने क्लीनअप नहीं किया है, और वैसे भी जो समर होता है समर में हमारा जो फेस होता है उस पर बहुत ज़्यादा टैनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये अरोमा ट्रेजर का ऑरेंज क्लीनअप किट, और इस तरह कुछ इसका पैकेट मिलता है, और ये पूरा इस पर जो प्राइस आप लोग देख सकते हैं 150 रुपीज़ का है, बट ये आपको 145 रुपीज़ में अमेजन पर अवेलेबल है। यहाँ पर इस तरीके से इसमें अंदर आपको चार पाउच मिलेंगे, जो चार पाउच है इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको इसको यूज़ करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 इसमें नंबर लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 है मसाज जेल। तो चलिए मैंने इसको अपने हाथों में निकाल लिया और आप लोग देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसकी फ्रेगरेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया। मुझे ऐसा लग रहा था मैं ऑरेंज को पील ऑफ करके ऑरेंज अपने फेस पर लगा रही हूँ। तो इस तरीके से इसको आप हाथ पे ले लेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक क्लीनअप किट है। ये हेल्प करेगा आपके जो क्लॉग्ड पोर्स होते हैं उनको क्लियर करने में और आपकी स्किन को सॉफ्ट और सपल बनाएगा। इट टोन्स कंडीशंस रिमूविंग डल कॉम्प्लेक्शन एंड क्लींजेस ऑयली स्किन। आपकी जो स्किन होती है ऑयली स्किन होती है उसको क्लींस करता है और डल कॉम्प्लेक्शन को रिन्यू करता है। तो यहाँ पर मसाज जेल लगाने के बाद आपको अपने फेस को इस तरीके से क्लीन कर लेना है, जो कि मैंने एक वेट वाइप्स की हेल्प से क्लीन कर लिया है। आपको अपने फेस को वॉश नहीं करना है, उसके बाद आपको यूज़ करना है सेकेंड स्टेप, और ये है स्क्रब। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल पूरा ऑरेंज से बनाया गया है इसको, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्क्रब है। तो यहाँ पे इसको मैंने अपने हाथों पे ले लिया और अपने पूरे फेस पे लगाने के बाद आपको इसको 2 से 3 मिनट तक बहुत ही हल्के हाथों से आपको अपने फेस पे मसाज करना है, बहुत हार्ड नहीं करना है, बहुत ही लाइट हैंड से आपको अपने फेस पे पूरा मसाज करना है। और ये जो स्क्रब है इसको इसमें ऐड है ग्लिसरीन और एप्रिकॉट स्क्रब पाउडर से मिलाकर इसको बनाया गया है, और अब आप लोग देख सकते हैं मेरा जो फेस है काफ़ी ज़्यादा क्लीन आप लोगों को लग रहा होगा। अब यहाँ पर है ये थर्ड स्टेप और ये है मसाज क्रीम। तो यहाँ पे हमें अपने फेस पे मसाज करना है, मिनिमम 5 मिनट्स तक आप मसाज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लगा लेते हैं इसको अपने फेस पे। तो इसको मैंने लगा लिया है अपने फेस पे। पूरे फेस पे लगाने के बाद मैं इसको अच्छे से मसाज करूँगी जब तक कि मेरे स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो जाती है। 5 मिनट तक इसको हमने मसाज करना है, उसके बाद आपको अपने फेस को वाइप कर लेना है किसी भी वेट वाइप से, आप अच्छे से अपने फेस को क्लीन अप कर लें। आपको अपना फेस वॉश नहीं करना है, इस चारों स्टेप्स के बीच में आपको अपने फेस को धोना नहीं है और ना ही पानी लगाना है। इसके बाद ये है सबसे लास्ट स्टेप, ये है फेस पैक, फेस मास्क। तो ये बिल्कुल इस तरीके से आता है, आपको इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, और मैंने हल्के हाथों से पूरा आप लोग देख सकते हैं अपने पूरे फेस पे इसको लगा लिया है, और 5 मिनट के बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद आपको अपने फेस को वॉश करना है। ये था मेरा आज का वीडियो अरोमा ट्रेजर्स का ऑरेंज क्लीनअप किट। आपको कैसा लगा? आई होप कि आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, और अपने कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि आज का ये मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।